नमस्कार, मैं हूं तोरण और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज लाइव। राज्य सरकार द्वारा अनलॉक की दिशा में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट देखते हुए इस आधार पर नागपुर शहर और अन्य जिलों में अनलॉक के निर्देश जारी किए गए। अब तक 5 बजे तक की राहत मिली थी, लेकिन इस 10 दिनों में कोरोना रेट देखते हुए मनपा और जिला प्रशासन ने अधिक सामान्य करने की दिशा में निर्णय लिया है। 21 जून से अत्यावश्यक और गैर अत्यावश्यक दुकानें रात 8 बजे तक खुली रहेंगी। शुक्रवार को जारी किए गए आदेश अनुसार मॉल्स मल्टीप्लेक्स को भी रात 8 बजे तक राहत मिलेगी। अम्यूजमेंट पार्क भी खोले जाएंगे। रेस्टोरेंट और बार का समय भी बढ़ाया गया है। रात 11 बजे तक 50% क्षमता से डाइनिंग हो सकेगी। सरकारी और निजी कार्यालय नियमित रूप से शुरू रहेंगे। बढ़ते हैं आज की दूसरी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के आगरा के पारस अस्पताल में हुई 22 मरीजों की मौत, लेकिन जांच कमेटी ने पारस अस्पताल को क्लीन चिट दे दिया है। कम्युनिटी के मुताबिक अस्पताल मॉर्ग्रिल से मौत हुई है। अस्पताल के पास मरीजों के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन थी। अस्पताल में ऑक्सीजन कभी बंद नहीं की गई। 16 मरीजों की मौत गंभीर बीमारी के चलती हुई है। अब डॉक्टर अरंजय जैन का कहना है कि ऑक्सीजन बंद की होती तो उसी दिन 22 मरीजों की मौत हो चुकी होती, जो कि नहीं हुई है।